व्रत पूरे करके 9 दिन की माता की आराधना करके आज है कन्या पूजन। और क्योंकि सुबह सुबह जल्दी किया जोशी जी का, क्योंकि ऑफिस ही था, तो अभी वॉच में हुआ है हमारा 7:30। और इधर मैंने सारी तैयारी कर ली है, नहाने धोने की बस कंप्लीट। तो यहाँ हमारा ये रेडी हो गया है, इधर मैं बना रही हूँ रायता और इधर हमने खीर बना के कर ली है रेडी। और ये माता के भोग के लिए रेडी हो गए हैं चने, ये सूजी प्रसाद, खीर, चने, रायता, बस लास्ट पूरी बननी है। तो इसके बाद जल्दी से हम ये सारा काम निपटा लेते हैं। तो अभी हमारे सारे भोग की तैयारी हो चुकी है, माता रानी के दरबार पे भोग तैयार होके आ गया और हमारी सारी कन्याएं भी आकर के इधर हो गई हैं विराजमान। और ये मेरा छोटा भैरव कन्याओं के बीच में घूम रहा है, इसकी मस्ती चल रही है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि नौ कन्या रूप के, माता के जो नौ कन्या रूप है, सबके पैर धुला करके उनको पोछूंगी, पोछ के और उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद उनकी आरती उतारनी होती है। तो यहाँ पर पैर धुलाने में मृदुल मेरी हेल्प भी कर रहा है, साथ में पानी लेकर के मेरे साथ चल रहा है। और ये पैर धुलाने के बाद अब जोशी जी साथ में आगे से चुनरी बांधते जा रहे हैं बच्चों को, और मैं साथ में लगा रही हूँ सारी कन्याओं को टीका, उनकी आरती उतारना। तो ये सारी टीका करने के बाद, पूरा करने के बाद फिर मैंने माता के कन्या स्वरूप को श्रृंगार के लिए मैं लेकर के आई थी बिंदियाँ। तो मैंने उन्हें ये सब बिंदियाँ और माँ के पैरों में महावर लगाना, तो ये सारा किया पहले। तो पहले लगा दी थी बच्चों को, कन्याओं को बिंदी और नेल पॉलिश इस तरह से, और उसके बाद फिर उनके पैरों पे मैंने ये महावर लगाया था माता स्वरूप समझ के, उनको प्रणाम करके। तो ये महावर से, ये सबसे छोटी प्यारी बच्ची थी, तो उसके पैरों में महावर सारे बच्चों को, सारी कन्या रूपों को। और ये मेरा भैरव भी आ गया था साथ में, बोला मम्मा मेरे भी, तो ये भैरव के भी लग गया था। तो ये सब पूरा होने के बाद, माता को, कन्याओं को चूड़ी पहनाने के बाद, फिर हमने उनकी जो बच्चों को दिया जाता है रुमाल, तो सर ढकते हैं उससे, तो वो बच्चों को, ये सारा पूजा के साथ निपटाया। और इन सब के बाद फिर हमने करी कन्या स्वरूप की आरती। उसके बाद फिर जोशी जी और मैंने मिलकर के माता के सारे नौ रूपों का किया पूजन, माता के शुभकारी मंत्रों के उच्चारण के साथ हरेक कन्या का पूजन किया, आशीर्वाद लिया उनका, माँ हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, हमेशा अपना आशीर्वाद रखें, हमेशा माँ हमारे साथ रहें। तो ये सारी कन्याओं में सबसे छोटी बच्ची थी 2.5 साल की, तो ये खा नहीं पा रही थी तो मैं इसको खिला रही थी। उसके बाद फिर हमने बच्चों को प्रसाद वितरण करने के बाद प्रसाद वसाद बनाया बच्चों को देने के लिए भी। तो ये जोशी जी करा रहे थे बच्चों को भोजन, साथ में हेल्प करा रहे थे। इसके बाद इन्हें भी ऑफिस निकलना था, ये ऑफिस की ड्रेस में ही रेडी हो गए थे। और सासू माँ भी छोटी बच्ची को खिलाने लगी, मैं फिर प्रसाद बनाने के लिए, बाबू मतलब मेरे ससुर जी बाबू बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फिर लास्ट में दक्षिणा के साथ उनके लिए चॉकलेट, पेंसिल, इरेजर, स्केल वगैरह का ये लाए हुए थे गिफ्ट, तो उनको दिया। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, तो हमने उनको बांटा। इस तरह से हमारी पूरा माता का आवाहन, पूजा पाठ, ये सब शांति के साथ बड़े ही अच्छे से समापन हुआ। तो जय माता। तो ये हमारी नौ पूजा, ये हमारी नौ की जगह मिल गई 11 कन्याएं, हमारा हो गया उद्यापन समापन। जोर से बोलो अंबे वाली मैया की जय, शेरो वाली मैया की जय, जय दुर्गे, जय भगवान, जय माता की। और ये हमारे बड़े वाले भैरव बाबा, बाय कर दो। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी और सुल्टे पल्ले की, यस हमारे कुमाऊं में, हमारे पहाड़ में इसको सुल्टा बल्ला बोला जाता है, जिसमें हम बैक टू फॉरवर्ड लेते हैं। तो जो भी पूजा पाठ और शुभ काम होते हैं तो उसमें साड़ी ऐसे पहनी जाती है, और जो हम बैक साइड को डालते हैं उसे उल्टा बल्ला बोला जाता है, ये सुल्टा बल्ला होता है। तो जब भी मेरे घर में पूजा पाठ होता है तो मैं हमारी संस्कृति और कल्चर के हिसाब से ऐसी ही पहनती हूँ।
अभी मॉर्निंग से कन्या पूजन का प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया है। बच्चों को पूरा भोग भोग लगा करके माता रानी का आशीर्वाद लेकर के सारे काम निपटा दिए, बर्तन धुल गए, किचन क्लीनिंग हो गया और मॉर्निंग से यही सारा रूटीन, आज का सबसे बड़ा टास्क यही था तो वो कंप्लीट हो गया है। और करते 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 मुझे बज गया 11:15 सारी सफाई धुलाई और सब कुछ करते हुए। तो अब जा कर के फ्री हो गए हैं और अब आज का गेटअप भी है माता रानी का श्रृंगार के साथ, क्योंकि नवरात्रि होती है तो पूजा पाठ में मैं माँ के पूरे श्रृंगार के साथ ही बैठती हूँ। तो अभी हैं बहुत सारे और भी काम और स्कूल का है बहुत ज़्यादा काम, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। इट वॉज तो ये था आज का रामनवमी स्पेशल ब्लॉग, होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल बी विद मी। सो मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स टू वॉच। बाय।